नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज कोर्स कोड 509 के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले उपागम और विधियां कौन सी हैं। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो सरकार और राजनीति के अध्ययन से संबंधित है। अनेक विद्वान प्राचीन काल से ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते आए हैं। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा था। अपने राज्य विषयक अध्ययन में अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लिया था। राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास एवं विधि शास्त्र आदि की अवधारणाओं के आधार पर ही करने की परंपरा थी। आधुनिक समय में इसे न केवल स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया अपितु सामाजिक विज्ञानों के संदर्भों में भी इसका पर्याप्त विकास हुआ है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन आज के संदर्भ में पहले की अपेक्षा एक ओर जहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक जटिल भी है। राजनीति विज्ञान का महत्व इस तथ्य से प्रकट होता है कि आज राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है। राजनीति विज्ञान की जटिलता उसके अतिव्यापी रूप और उनसे उत्पन्न स्वरूप एवं प्रकृति से जुड़ी हुई है और आज राजनीति विज्ञान राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों प्रकार के तत्वों से संबंधित है। राजनीतिक तत्व जो होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में जो सम्मिलित होते हैं या संचालित करते हैं, और इस दृष्टि से राजनीतिक विकास के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो है राज्य सरकार, सरकारी संस्थाएं, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक व्यवहार, ये सब राजनीतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और जब हम गैर राजनीतिक तत्वों की बात करते हैं, यानी कि गैर राजनीतिक तत्व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने में योगदान देते हैं और इस कारण राजनीति को सही समझ इनको समन्वित करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसी उद्देश्य से राजनीतिक अध्ययन में समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भूगोल, विज्ञान व तकनीकी, मनोविज्ञान व इतिहास जैसी सहयोगी तत्वों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान में अपनाए जाने वाले विभिन्न उपागम कौन से हैं। जो जब हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों की बात करते हैं तो पहला उपागम उसमें आता है परंपरागत उपागम। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे अध्ययन की सुविधा से हम परंपरागत राजनीतिक उपागम कहते हैं। इसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण व विकास में अनेक राजनीतिक विचारकों का योगदान रहा है, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, ऑगस्टीन, इस तरह के बहुत सारे जो विचारक रहे हैं उनकी हम इस उपागम के अंतर्गत चर्चा करते हैं। और आधुनिक युग में भी अनेक विद्वान परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं, जैसे कि लियो स्ट्रॉट, एरिक वोगोलिन, ऑगस्टोस आदि। प्राचीन यूनान और रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास व विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया था। और मध्यकाल में मुख्यतः ईसाई धर्मशास्त्री दृष्टिकोण को राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का आधार बनाया गया। जब हम 6वीं शताब्दी की बात करते हैं या 6वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन ने बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था और साथ ही साथ राष्ट्र राज्य अवधारणा को जन्म दिया। और 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास को नई गति प्रदान की। 19वीं सदी में
इसके जो विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया। परंपरागत राजनीतिक उपागम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाया गया था। परंपरागत सरकार एवं उनके वैधानिक अंगों के बाहर व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों के साथ औपचारिक संगठनों के अध्ययन पर बल देते हैं। इसने उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं आंदोलनों के अध्ययन पर भी बल दिया जो स्पष्टतः सरकार के औपचारिक संगठन से बाहर तो होते हैं किंतु उनकी नीतियां एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो परंपरागत राजनीति की विज्ञान की जो विशेषताएं क्या होती हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन और कल्पना पर आधारित होता है। परंपरावादी विचारक अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित रहे हैं और इन विचारकों ने मानवीय जीवन मूल्यों पर ध्यान दिया है। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के चिंतन की जो प्रणाली है वो निगमनात्मक है और इसमें प्लेटो का विशेष महत्व रहा है। प्लेटो के अतिरिक्त रोमन विचारक सिसरो और मध्ययुग में सेंट ऑगस्टीन के चिंतन में परंपरागत राजनीति विज्ञान की भी जो स्पष्ट झलक दिखती है और जो आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो प्रबल समर्थक रहे हैं वो भी काफ़ी संख्या में रहे हैं। जैसे जब हम बात करते हैं जैसे रूसो, कांट, हीगल, लास्की, ऑक्सशॉट आदि अन्य विचारकों की जब हम बात करते हैं तो उनकी रचनाओं में भी प्लेटो के विचारों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो अभी तक हमने बात की कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम क्या हैं और अब चर्चा करते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। आधुनिक काल में परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री एवं राज्य संबंधी अवधारणाओं की कटु आलोचना हुई है और आलोचकों के अनुसार राज्य व राजनैतिक संस्थाओं की परिधि से परे भी कुछ प्रक्रियाएं एवं परिवेश देखने को मिलता है जिसके अध्ययन की उपेक्षा राजनीति विज्ञान की गरिमा और उपयोगिता के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। इस मत के प्रतिपादक ये मानते हैं कि सभी समाज विज्ञानों की प्रेरणा स्रोत व अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है और राजनीति विज्ञान सामान्यतः मानव व्यवहार के राजनैतिक पहलू का अध्ययन है। वॉल्टर, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस आदि ने राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया और ग्राहम वालेस, आर्थर वेंटले, कैटलिन और लॉसवेल ने मानव एवं उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। विश्व स्तर पर हुए इस गंभीर परिवर्तन ने मानव समाज और संस्कृति की परंपरागत अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं को जन्म दिया। जैसे कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस वातावरण में चार्ल्स मैरियम के जो उनकी रचना थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया और उसका पूर्ण समर्थन भी किया गया। तो अगर हम पारंपरिक और आधुनिक उपागमों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान को राज्य और उसके सरकारी संस्थानों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है वो पारंपरिक उपागम है और जो राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक व्यवहार की गति और निर्णय लेने के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है वो आधुनिक उपागम। इसके अतिरिक्त राजनीति के औपचारिक तंत्र पर केंद्रित सरकार, संस्थान, संविधान आदि की चर्चा हम पारंपरिक उपागम के अंतर्गत करते हैं और राजनीति को एक गतिविधि या एक प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो आधुनिक उपागम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से राजनीतिक चिंतन का एक जो व्यक्तिगत सैद्धांतिक और उद्देश्य को जो बताता है उसके कार्य के रूप में परिभाषित करता है वो पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर राजनीतिक विज्ञान को एक उद्देश्य,
विज्ञान प्रक्रिया और प्रक्रिया की ओर जो उन्मुख करता है या परिभाषित करता है वो आधुनिक उपागम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जो पारंपरिक उपागम है उसकी प्रकृति अधिक दार्शनिक होती है, जबकि आधुनिक उपागम की जो प्रकृति होती है वह अधिक विश्लेषणात्मक है। इसके अतिरिक्त यह राजनैतिक निगमन को, जो पारंपरिक उपागम की जब हम बात करते हैं तो ये राजनीतिक विज्ञान को गैर अवलोकन योग्य और जिसको हम कह सकते हैं कि मूल्य सहित विषय के रूप में देखता है। दूसरी ओर राजनीतिक विज्ञान को निरीक्षण योग्य और मूल्य मुक्त विषय के रूप में देखता है। तो इसी प्रकार से हम कई स्तरों पे पारंपरिक उपागम और आधुनिक उपागम की तुलना कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात कुछ और भी उपागम की अगर हम चर्चा करें तो उसमें एक आता है दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम आम तौर पर विचार योग्य और प्रामाणिक है। ये उपागम अपने आप में ही एक विश्वकोश है। प्लेटो का रिपब्लिक, हॉब्स का लिविथन इत्यादि का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थिति नहीं, एक सार से दिखाने के लिए किया गया था, और कई अन्य राजनीतिक दार्शनिकों ने तर्क संकत तर्क की सोच प्रक्रिया का उपयोग करते हुए राज्य, न्याय, कानून, स्वतंत्रता, लोकतंत्र इत्यादि की जो अवधारणाओं को स्पष्ट किया। फिर उन्होंने तर्क से इन राजनीतिक दार्शनिकों ने राजनीतिक व्यवहार, सरकार के रूप में गैर सत्यापित जो स्वयं स्पष्ट निष्कर्ष थे उन तक वो पहुँचे थे। इसके पश्चात बात करते हैं जो संवैधानिक संस्थागत उपागम की। इसमें जो यह उपागम था अभी भी समकालीन राजनीति में एक प्रमुख उपागम है या दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण राजनीति के औपचारिक तंत्र, सरकार, संस्थानों, निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों पर केंद्रित होता है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक आसानी से सुलभ आधिकारिक स्रोतों और अभिलेखों के आधार पर संचालन और संगठनों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानूनी नियमों और सम्मेलनों का एक विवरण और विश्लेषण राजनीतिक सक्रियता के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों और उनके बीच सामरिक संबंधों और कार्यकलापों का अध्ययन इसी दृष्टिकोण के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं व्यवहारगत उपागम की। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करने के दृष्टिकोण के रूप में व्यवहार विज्ञान 1940 के दशक में उभरा और आज तक इस दृष्टिकोण पर राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रभुत्व है। परंपरागत दृष्टिकोण घटनाओं, संरचनाओं, विचारधाराओं, संस्थाओं इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि व्यवहारगत उपागम व्यक्तियों के व्यवहार या अपेक्षाकृत छोटे समूहों को विश्लेषण की मूल इकाई पर केंद्रित करता है। रॉबर्ट टहल राजनीतिक विज्ञान में एक आंदोलन के रूप में व्यवहारवाद को स्पष्ट करते हैं, जो राजनीतिक कलाकारों के अवलोकन करने वाले व्यवहारों का विश्लेषण करने पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण अनुभवी सत्यापन योग्य डेटा के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को सारांशित भी करता है। इसके पश्चात एक अन्य जो उपागम है बहुत प्रचलित है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या उपागम। ग्राहम वालेस की मानव प्रकृति में राजनीति के प्रकाशन के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रभावी हो गया, जिसने राजनीति विज्ञान की सामाजिक मनोवैज्ञानिक नींव पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण ने मनोवैज्ञानिक बलों के संदर्भ में राजनीतिक घटनाओं को परिभाषित किया और इस दृष्टिकोण का दावा है कि मनुष्य की राजनैतिक कार्यवाहियों को पूरी तरह से कारणों और तर्क संगतता से निर्देशित नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें व्यक्तित्व, व्यवहार, गति इत्यादि जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा ही निर्देशित किया जा सकता है। जो कुछ चर्चा हमने अभी तक आपसे की विभिन्न उपागमों के बारे में, इसके अतिरिक्त एक तुलनात्मक उपागम, सिस्टम विश्लेषण उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण उपागम आदि भी
कुछ उपागम हैं जो कि हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोग में लाते हैं, जो कि राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान के इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। अभी तक हमने आपसे विभिन्न राजनीति विज्ञान में उपयोग होने वाले विभिन्न उपागमों की बात की, अब चर्चा करते हैं कि राजनीति विज्ञान में अपनाए जाने वाली विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं। शिक्षण विधि का तात्पर्य शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करना या उसका एक तरीका, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, तकनीकी या नियमों का एक सेट, अर्थात ये कक्षा के निर्देश के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों, अध्यापन और प्रबंधन रणनीतियों से को संदर्भित करता है। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र सीखते हैं, और इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र ज्ञानार्जन करता है। शिक्षण प्रक्रिया में होने के कारण इसमें कई सोपान होते हैं जो कि अलग अलग और भी विधियों में पाए जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो राजनीति विज्ञान में के संदर्भ में, कि राजनीति विज्ञान में ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम राजनीति विज्ञान के विषय को विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। सामान्यतया नागरिक शास्त्र की कक्षाएं नीरस होती हैं क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु है वो कई बार बहुत लंबे लंबे विषय वस्तु हो जाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को जो कुछ पढ़ाया जाता है वो उसको जल्दी भूल जाते हैं। तो हम कौन सी ऐसी विधियां अपनाएं कि ये बच्चों को जल्दी ग्राह्य बना सकें विषय वस्तु को, और जो इसको अतः अच्छी शिक्षण विधि को अपनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान भी देना चाहिए, कि क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो कक्षा में एक प्रेषक की तरह होता है और जो प्राप्तकर्ता होता है वो एक शिक्षार्थी होता है, और शिक्षण विधियाँ होती हैं जो माध्यम होती हैं कि किसी भी विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से हम दूसरी तरफ कैसे जो प्राप्तकर्ता है उस तक पहुँचाएँ। तो जब हम शिक्षण विधियों को अगर हम कुछ भागों में विभाजित करें तो दो प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो एक तो होती है जो शिक्षक केंद्रित होती हैं और दूसरी शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित जो विधियाँ होती हैं उसमें परंपरागत शिक्षण विधियाँ होती हैं, जैसे परंपरागत शिक्षण विधि के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि को रखा जाता है। परंपरागत रूप से एक साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत व्याख्यान विधि निर्माता के रूप में भी जो शिक्षक है वो अपनी भूमिका का निर्वाहन करता है। तो जब हम शिक्षक केंद्रित परंपरागत विधियों की बात करते हैं तो उसके कुछ विशेषताएं होती हैं, कि जो परंपरागत विधियां होती हैं वो शिक्षक केंद्रित होती हैं, इसमें चौक और टॉक तरीके का प्रचलन ज़्यादा होता है, संगठित कक्षाएं होती हैं, सहयोग और समूह से सीखने की इसमें कमी दिखाई देती है, अवधारणाओं को समझने के बजाय परीक्षाओं और परिणामों पर इस पर अधिक बल दिया जाता है। इसी प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित कुछ विधियां हैं जिनको कि हम आधुनिक शिक्षण विधियां भी कहते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित विधियों को आधुनिक शिक्षण विधियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिक शिक्षा बालक को शिक्षा अथवा सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान देती है और विद्यार्थी का समर्थन करती है। जब हम आधुनिक शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित विधियों की बात करते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो प्रौद्योगिकी संचालित कक्षाएं होती हैं, हम उसमें अधिक से अधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं और इसमें निरंतर एक व्यापक मूल्यांकन चलता रहता है, और ये जो विधि होती हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम विचार विमर्श पूछताछ पर आधारित होती हैं, प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित होती हैं, जिससे बच्चे को जो विषय वस्तु है वो आसानी से समझ में आ सके। अवधारणाओं को समझने पर इसमें जोर दिया जाता है, जीवन के साथ पाठ्यक्रम को जोड़कर पढ़ाया जाता है, जीवन कौशल और मूल्यों पर जोर दिया जाता है, सहयोगपूर्ण सीखना होता है और विभेदक शिक्षा यानी कि सभी बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर उसमें विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षा होती है और अंतः विषय सीखना भी इसमें आसानी से
हो जाता है। इसमें समस्या समाधान आधारित भी शिक्षा होती है। तो अब बात करते हैं कि कुछ विशेष ऐसी कौन सी विधियां हैं जो कि राजनीति विज्ञान को पढ़ाने में बहुत ही सहायक और रोचक होती हैं। जैसे इसमें से है एक कथात्मक विधि। कथात्मक विधि कथा या कहानी हम कह सकते हैं कि कहानी विधि से पढ़ाना स्वाभाविक और प्रभावशाली भी होता है क्योंकि ये एक वर्णनात्मक विधि है और छोटे बच्चों के लिए तो ये अत्यंत उपयोगी होती है। प्लेटो ने भी छोटे बच्चों के लिए इस विधि को उत्तम विधि बतलाया था क्योंकि ये बच्चे स्वभाव से ही कहानी प्रेमी होते हैं और जो कुछ उनको कहानी के रूप में समझाया जाता है बच्चे उसको बहुत आसानी से समझते हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ाते समय कुछ खास विषय जो कि थोड़े नीरस होते हैं उनको बच्चों को यदि जल्दी समझाना है तो हम उनको कहानी विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं जिसको कि वो बहुत अच्छी तरह से ग्राह्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है कि कहानी कहना भी एक कला है। जब बच्चों को हम कहानी विधि से पढ़ाते हैं तो एक स्वाभाविकता उसमें होना आवश्यक है जिससे कि बच्चों को पढ़ाते समय वो विषय वस्तु प्रभावशाली बन सके। प्लेटो ने भी इस छोटे बच्चों के लिए इसको बहुत उपयोगी तो बतलाया ही था और साथ में ये भी कहा था कि कोई भी विषय वस्तु अगर नीरसता की तरफ जा रही है तो उस विषय वस्तु को और भी प्रभावशाली और विभिन्न यानी हम मस्तिष्क में किस तरह से एक चित्रण कर सकते हैं कहानी के रूप में बच्चों के समक्ष इस पर भी बल दिया जाता है जिससे कि उनमें कौतूहल जागृत हो सके और वो उस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से प्रस्तुत या समझ सकें। घटनाओं के आधार पर लिखी हुई जो कहानियाँ होती हैं वो वास्तविक कहानियों के चित्रण का निर्माण कर सकती हैं। अगर हमें उन्हें नागरिक शास्त्र संबंधी कोई भी ऐसा विषय उदाहरण स्वरूप गांव के पंचायत का कोई दृश्य समझाना है या हमें उन्हें परिवार की परिभाषा समझानी है या परिवार से बाहर के समाज के विषय में समझाना है तो छोटी छोटी कहानियों के रूप में हम इन चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात जब हम राजनीति विज्ञान के शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो व्याख्यान विधि भी एक रोचक और अच्छी और प्राचीन और प्रचलित विधि है। व्याख्यान विधि जितनी भी हमारी अभी तक की शिक्षण विधियां रही हैं उसमें प्राचीनतम है, बहुत सरल है, इसके लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जरा से प्रयास से शिक्षक इसको एक बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण कक्षा में कर सकता है। राजनीति विज्ञान को पढ़ाते समय अध्यापक सामान्यतः व्याख्यान विधि का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं और व्याख्यान विधि मुख्य उद्देश्य जो होता है व्याख्यान विधि का वो है बच्चों को ज्ञान देना और उन तक सूचना पहुंचाना। इस विधि में राजनीति के विभिन्न पाठ पढ़ाते समय अध्यापक उचित स्वर व गति में पाठ्य वस्तु को मौखिक कथनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और व्याख्यानों को सुनकर छात्र राजनीति विज्ञान व उससे उसके विभिन्न विषयों या उसके विभिन्न प्रकरणों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर विधि, यह विधि भी राजनीति शास्त्र विषय को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी विधि होती है। प्रश्नोत्तर तभी हम करते हैं कि जब जिस समय हमें बच्चों को एक प्रत्यक्ष रूप से विचार विमर्श में हम सम्मिलित न कर सकें या विचारों का आदान प्रदान तो हम उनको कक्षा में प्रश्नोत्तर एक प्राविधि के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और एक संपूर्ण विधि के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में छात्र शिक्षक की अध्यक्षता में दिए गए विषय के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण भी तैयार कर सकते हैं और फिर उसके पश्चात उस विषय को ग्राह्य बना सकते हैं। इसके पश्चात एक विधि है जिसमें हम करके सीखना जिसको कि राजनीति विज्ञान पढ़ाते समय हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। क्रिया करना बालक का एक स्वाभाविक गुण होता है। यदि उसको सिर्फ व्याख्यान के ही द्वारा पढ़ाएंगे तो हो सकता है बहुत से ऐसे संप्रत्यय होते हैं जो कि बालक नहीं समझ सकता है। अतः जो भी शिक्षा प्रदान की जाए वह क्रिया के द्वारा प्रदान की जाए और इस विधि को क्रिया द्वारा सीखना भी कहते हैं। और शिक्षा में क्रिया को प्रधानता देने वाले जो प्रथम शिक्षा शास्त्री कमेनियस थे उन्होंने इस विधि को बालक केंद्रित विधि भी कहा है क्योंकि इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है।
बालक इसमें अपनी गति से अपने समय से चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, यानी स्व अनुभव से वो ज्ञान प्राप्त करता है। और आजकल की जो सर्वाधिक व्यापक शिक्षण पद्धति है, सिद्धांत है, वो करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और डिवी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया था। इसके अलावा दत्त कार्य विधि, दत्त कार्य शैक्षिक क्रियाओं को शिक्षा देने का मुख्य साधन होता है और यह कक्षा के कमरे में या उसके बाहर दूसरे दिन के कार्य की तैयारी के रूप में भी कराया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से दत्त कार्य सीखने की क्रियाओं के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है और दत्त कार्य कार्य की ओर वांछित अभिवृत्तियों को स्थापित करता है और सीखने की क्रियाओं में विद्यार्थियों का पूर्ण मन के साथ सहयोग प्राप्त करता है। इसके पश्चात एक बहुत ही उपयोगी जो शिक्षण विधि है राजनीति विज्ञान में है, वह है क्षेत्र कार्य। राजनीति विज्ञान के शिक्षण में क्षेत्र कार्य एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका तात्पर्य होता है कक्षा के बाहर वास्तविक जगत में ले जाकर जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में पढ़ाना। इस विधि के अंतर्गत वास्तविक परिस्थितियों में जो संबंधित आधार सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में जानकारी ली जाती है। इसका उदाहरण के स्वरूप यदि हमें गांव की पंचायत के विषय में उनको समझाना है तो हम ग्राम पंचायत का जो वास्तविक दृश्य होता है हम वहां ले जाकर उनसे एक उनको उस कार्य में सहभागिता कराकर उस स्थिति का ज्ञान करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर चालित शिक्षण विधि, यानी कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट, ऐसे जो संप्रत्यय हैं राजनीति विज्ञान के, जो बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उनके द्वारा भी हम बच्चों को अनुदेशन दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन विधि, जो भी एक बहुत राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी विधि है। पर्यटन विधि में छात्रों को चार दीवारी के नियंत्रण में न रखकर उनको स्थान स्थान घुमाकर प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है और पर्यटन के द्वारा बच्चे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अवलोकन विधि, बहुत सारी चीज़ें जो वास्तविक ज्ञान, जो कि बताया कि अगर उन्हें हमें समाज के विभिन्न अंगों के बारे में बताना है या किसी प्रणाली के विषय में पढ़ाना है तो अवलोकन विधि में निरीक्षण करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, सबल व प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है और इस विधि में छात्र स्वयं निरीक्षण कर वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी और स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपके साथ चर्चा की कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन अध्यापन में कौन से ऐसे उपागम हैं और कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो उपयोगी होती हैं। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।